हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सेवनियम प्लान्स। आज आपको टेक्नीशियन बबलू, जो इलेक्ट्रिकल स्पेशल इलेक्ट्रिकल सर्विस के लिए फेमस है, जाने जाते हैं हमारे बिदर में। एंड आज हम आपको इस घर का जो 30x40 घर में ग्राउंड फ्लोर का ये पोर्शन एंड इस इलेक्ट्रिकल वर्क को इतना कितना कॉस्टली है, एंड उसके साथ जो है इनका मोबाइल नंबर भी हम आपको देंगे। सो उन्होंने बोलेंगे आपको एंड क्या क्या प्रोसीजर किया गया कि इस घर के क्या स्पेशल सीलिंग में, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर सीलिंग डिज़ाइन, सो कैसे बिठाया जा सकता है एंड कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स आए, डिटेल में आपको बता देंगे। सो इस घर में आप क्या क्या कौन कितना रूम्स थे इसके लिए? दो बेडरूम सर, एक हॉल, किचन, बाथरूम। सीलिंग एरिया कहाँ कहाँ पर बनाया है? सीलिंग सिर्फ हॉल में है सर, यहाँ पे हॉल। और बेडरूम में नॉर्मल? बेडरूम में नॉर्मल है सर, विदाउट सीलिंग नॉर्मल है सर। सीलिंग जो है हॉल में, हॉल में। उसके अलावा टीवी कैबिनेट? टीवी कैबिनेट और सेल्फ सर। ओके, सो इस दो बेडरूम में कोई सीलिंग नहीं था एंड हॉल में एक सीलिंग है और एक टीवी कैबिनेट, बाकी का जो नॉर्मल। तो कितना कॉस्ट लिया आप? 23। अगर सीलिंग बेडरूम में भी सीलिंग रहा तो कितना कॉस्ट लगता है? बेडरूम रहे तो दोनों बेडरूम 5000। ओके, पर बेडरूम एक्स्ट्रा कितना लेते हैं सीलिंग के लिए? सीलिंग में लाइटिंग रहा तो 250 सर। 2500। ओके, सो दो तो आपको 25,000 से 30,000 के अंदर आ जाएगा जी तो कॉस्ट जी। मोबाइल नंबर बताइए आपका? 8904737375। मेरा नाम बबलू। दोबारा बताइए। 8904737375। कहाँ तक आप सर्विस दे सकते हैं, कौन से? बीदर, भालकी, हमनाबाद, बसा कल्याण, औराद, जहराबाद। ओके, बीदर के डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है आपको कॉन्टेक्ट करें तो बढ़िया जी। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको वायरिंग कहाँ से लिए थोड़ा बताइए? ये नीचे पाइपलाइनिंग कर लिए सर, करने के बाद ये पाइपलाइनिंग ऊपर है कहाँ पर? पाइपलाइनिंग इसके पीछे है सर जी। ओके, ये जब बॉक्स खुला रहता है सर, नीचे पट्टी ऊपर पट्टी बीच में ही रहता है सर। और कितने में मिलेंगे छोटे बल्ब्स? ये 250 के अंदर ही होता है। एंड इसके पीछे जो लाइटिंग रूफ लाइट तो रूफ लाइट है सर, रूफ लाइट है। इसका वायरिंग कहाँ से आता है? इसका वायरिंग ये इसमें से लिया सर, डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट पीछे। एंड ये जो लिंटल के समय डाले नहीं, कटिंग करके डाले सर, कटिंग करके हाफ इंच पाइप डाल के डाले सर। तो बाद में भी हम कट कर सकते हैं? हाँ, कट कर सकते हैं। या फिर अगर प्री प्लान रहा तो एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग लिया आपको? ये सर पैनल एलईडी बोलते सर इसको, ये पैनल ऐसे, ये सरफेस एलईडी है सर। सरफेस एलईडी क्या साइज ज़्यादा रहता है कैसा? साइज सरफेस का थोड़ा ज़्यादा है ना सर, वो 3 वाट का ही, 1.5 वाट का। 1.5 वाट। सो व्यूअर्स, से हॉल, तो हॉल के अंदर कैसे कैसे पॉइंट्स लिए, कितना बल्ब्स लिए, इसका नाम बताइए, कितना वाट का है? 12 वाट का है सर। 12 वाट। कितने में मिलते हैं मार्केट में रेट इसका अंदाजा? 450। 450 रुपये में एक एक मिलेगा एक पीस। एंड एक ग्रीन कलर रूफ लाइट। और ये सीलिंग का क्या, सीलिंग के अंदर रहता है सब वायरिंग? सब सीलिंग के अंदर रहता है, पीछे उसके अंदर ऊपर रहता। यहाँ पर झूमर के लिए पॉइंट दिया, पॉइंट दिया, अभी झूमर नहीं आया सर आने के बाद जी। ये क्या एक सिंगल ट्यूबलेट रहते हैं क्या? इसके ट्यूबलेट है सर, इसके सिंगल। और कई लोग फिलहाल तो है वाइट टाइप में है। यस। और इसमें और एक कितना टाइप के कलर्स से ट्यूबलेट मिलते हैं मार्केट में? ट्यूबलेट हर कलर के मिलते हैं सर, ब्लू, ग्रीन, पिंक, एक वार्म वेट भी सर। सो व्यूअर्स, किसी को उनका सर्विस चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करिएगा। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे भी है एंट्री के पास, इधर एक बल्ब लिया गया जैसे देख रहे हैं आप, सरफेस लाइट। अगर कुछ दिनों में अगर ख़राब हो गया समझ लीजिए, तो इसको कैसा आप निकाल सकते हैं? देखो व्यूअर्स, अच्छा स्क्रू है क्या? हाँ, स्क्रू खोल के आप निकाल सकते हैं, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड कुछ बल्ब्स को स्प्रिंग रहता है शायद। सो व्यूअर्स, अगर ऐसे बल्ब्स ख़राब हो गए समझो, इसको रिपेयर कैसे करना या फिर निकालना कैसे, ये देखिए। ओके, ये देखिएगा जी। ऐसे निकाल सकते सर। अच्छा,
सो अगर बल्ब खराब हो गए तो भी ये प्रोसीजर है, बहुत इजी प्रोसीजर। सो पोर्टेबल टाइप में है, इजी है प्रोसीजर। ओके, इनको आप कॉन्टेक्ट ज़रूर करिएगा, सिंपल एक हम्बल पर्सन, एंड आपका वर्क जो है नीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क। थैंक यू।